साथियों नमस्कार। इस समय लाइव तस्वीरों के साथ में बिमलेश कुमार बागी बलिया में है और बागी बलिया में एक बड़े से जो है इस तरह से कलाकारी देखने को मिल रहा है जो स्टैंड करते हुए और इस तरह से बैलेंस करते हुए और दो जो है हमारे साथ कलाकार हैं जो सामने आपको दिखेंगे अभी। ये लोग जो है बलिया के एक देहाती जो है गाँव से रहने वाले और इस तरह से प्रतिभा अपनी दिखाते हुए गाँव में जो आपने बड़े स्तरों पर देखा होगा, बड़े जो है उस जो है फील्डों में देखा होगा, लेकिन इस छोटे से गाँव की तरफ जो है स्टैंड करते हुए इस तरह अपने प्रतिभा को दिखाते हुए आज हमारे समक्ष है। इनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि ये लोग जो है कहां से सीखे, क्योंकि इतनी बड़ी जो है जो अंदर जो फुर्तीला है, देखिए ये किस तरह से चल रहे हैं और कैसे ब्रेक ले रहे हैं और किस तरह से और स्टैंड होकर और कैसे चल रहे हैं, इन लोग की जो कलाकारी है, आइए इनसे मुलाकात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा? प्रिंस वर्मा। और ये आप लोग देहातों में ऐसे कहां से सीखे हैं? खुद से सीखे हैं, रोड पछड़ा कैसे ही। अच्छा, खुद से सीखे हैं, मतलब किसी से आपने सीखा नहीं है? तो हल्का फुल्का यूट्यूब से हिंट ले लिया है बस। अच्छा, यूट्यूब के मदद से आपने हिंट ले लिया और सीख लिया जी। अच्छा, आपके साथ और कोई है? हाँ, मेरे साथ है मेरा। अच्छा। भाई तो है, ये दोनों लोग आप लोग मतलब ऐसे ही रोड पे सुबह शाम आप लोग सीखते हैं जी? डेली डेली। तो कैसे मन में आया कि हम लोग भी इस देहातों में, और ये बागी बलिया है और बड़ी पहचान के यही है कि भाई यहाँ लोग अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए इतने जो है काबिलियत अपनी में रखते हैं, तो कैसे मन में आया कि हमें भी ऐसा करना चाहिए? थोड़ा सा आगे तक आ जाइए जी। सबसे पहले तो हमने यूट्यूब में देखा वीडियो बहुत सारा। अच्छा, और आगे और धूम टू मैंने मूवी देखा था जिसमें ऋतिक रोशन चलाता है। अच्छा, और हमें भी उस टाइम टाइम हुआ कि हम भी चला लेंगे, लेकिन अवेलेबल नहीं था हमारे इंडिया में ये सब चीज़। अच्छा, फिर मैंने यूट्यूब पर देखा एक सिवा स्केटर है जो बहुत ज़्यादा अच्छा चलाते हैं, फिर उनका वीडियो देखा, फिर उससे हम कुछ को हर्ष मिला, फिर हमने मंगाया और सीखा खुद से। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा? हमारा अमन जी शास्त्री पड़ेगा ना। अच्छा, कैसे सीख लिए आप भी? ये मेरे भैया पहले स्केट मंगाए। अच्छा। ये सीखे, उसके बाद हम सिखाए। अच्छा, आप इनको सिखा दिए? हाँ। आप पढ़ाई करते हैं? हाँ, पढ़ाई करते हैं। किस क्लास में? 10 में। क्या सपना है आपका? हमको इसको सीख कर इसके मतलब इसका मैच होता है, हमको मैच करना है। हाँ। और आप इसके साथ क्या करते हैं? पढ़ाई उड़ाई की बात किया जाए तो कितना किया है? जी, इंटरमीडिएट कर रहे हैं बस, छोड़ दें तो हम तो फिर और जॉब करते हैं। इलेक्ट्रिशियन का? इलेक्ट्रिशियन है। अच्छा, क्या बनना है? ये जो आप कलाकारी दिखा रहे हैं और ये देहातों में इस तरह से जो है अपने प्रैक्टिस को जारी किए, तो क्या बनना है? देखिए, ये तो हम बच्चों को सिखाते हैं, बच्चों का भविष्य, उनका भी उम्र है, हमारा तो उम्र एज ज़्यादा हो गया अभी, फिर बच्चों का इनका काम है, इनके लिए अच्छा है, कुछ आगे कर सकते हैं, इनको हम सिखाते हैं इसलिए। और भी बच्चे जो देखते हैं वो भी सीखने के लिए कहते हैं, उनको सिखाते भी हैं हम। थोड़ा आगे तक, बहुत सारे बच्चों को सिखाए भी हैं। थोड़ा सा पीछे पीछे आप चलते रहे, पीछे चलते रहिए थोड़ा सा और पीछे आप लोग थोड़ा सा, इन लोगों को चलने दीजिए। हाँ, और दौड़ कर थोड़ा पीछे आप कवर कीजिए। हाँ, ऐसे। हाँ, पीछे से चलते रहिए। जैसे आपने देखा होगा कि जो बड़े स्तरों पे जो है इस तरह से प्रैक्टिस किया जाता है, कंपटीशन में बड़े प्रतिभागी भाग लेते हैं, तो ये प्रतिभागी जो है जिस तरह से प्रैक्टिस करके और चलते हैं और बड़े बड़े जो है नेशनल स्तर पे भी उन्होंने अपनी उपलब्धि प्राप्त की है, लेकिन ये देहातों में इस तरह से जो है देखने को मिल रहा है कि ये लोग भी अपने प्रैक्टिस को जारी किए हैं, कहीं ना कहीं ये लोग अपने जिले का नाम रोशन करने के लिए इस जो प्रैक्टिस को बरकरार किए हैं ताकि कई जगह पर कंपटीशन में ये लोग भाग ले सके और वहाँ पर जो अपने जो विजेता हासिल कर ले। तो इस तरह से तमाम इन लोगों की बातें जो है सामने आ रही है। तो आप लोग सुबह में और शाम में ऐसे जो है इसी रोड पे प्रैक्टिस करते हैं जी? तो क्या लगता है कि हम इस प्रैक्टिस से कोई अगर आपका कंपटीशन है इस जिले में कोई इस तरह से कंपटीशन कराया जाता है कि नहीं? अभी तो फिलहाल तो अभी तक तो नहीं हुआ है ऐसा। कहा जाता है कि अगर कई ऐसे गेम की भी बात किया जाए, अगर उस जिले में उस क्षेत्र में अगर ऐसे जो है व्यवस्थाएं होती तो तमाम प्रतिभागी ऐसे हैं कि उनके प्रतिभा की बात किया जाए तो बहुत कम है, क्योंकि तमाम लोगों के अंदर एक ऐसा जुनून जोश है कि उनके जो है प्रतिभा ऐसे ही झलकती है। तो थोड़ा सा चल के हम चाहेंगे कि जो स्पीड में आप चलते हैं थोड़ा सा चल के आइए। चलिए, ये देखिए, ये इनकी जो है जो कलाकारी है, ये कितने स्पीड में ये जो कर रहे हैं बैलेंस के साथ, दो जो है इस बागी बलिया के जो है जवान सामने जो दिख रहे हैं। तो आप लोग कुछ वीडियोज भी बनाते होंगे? जी, रील्स वगैरह बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे भी बनाते हैं और यूट्यूब पे भी हमारा। अच्छा, चैनल क्या नाम है? चैनल का क्या नाम है? इंडियन स्केटर प्रिंस। अच्छा, ये चैनल इनका है, इन चैनल पे जाकर आप इनके जो है वीडियो देख सकते हैं और ये जो है जिस तरह से अपने कलाकारी को दिखाते हैं उस जो है प्रतिभा को देखने के लिए आप जो इनके चैनल पर विजिट कर सकते हैं। ऐसे लोगों का सपोर्ट किया जाए क्योंकि हमारे इस यूपी के खास एक बागी बलिया से उभरते नए जो है चेहरे सामने आ रहे हैं जो विदेशी खेलों को जो है इस देश
देशों में जो है जिस तरह से एक जारी करना चाहते हैं, वो खेलों को जो है ये लोग भी दिखाना चाहते हैं कि हम भी जो है वो चीज़ कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो अपना जो है हिम्मत हारना नहीं है जी, हौसला जो है उसको बुलंद रखना है। जी ओके बिल्कुल। चलिए इन्हीं बातों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।